Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए. क्लास की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. स्कंद एक, अध्याय तीन, श्लोक संख्या 14. ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिव्यं वपुः दुग्धे माम औषधीर विप्रास तेनायं स उषत्तमः. ऋषिभिर् याचितः भेजे नवम पार्थिवं वपुः. तो इस श्लोक में भगवान के शक्तावेश अवतार की चर्चा की जा रही है, पृथु महाराज की चर्चा की जा रही है. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है भगवान के कई प्रकार के अवतारों के विषय में, और पृथु महाराज का जो अवतार है वो शक्तावेश अवतार की कैटेगरी में आता है. ओके, शक्तावेश अवतार. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनुवाद यस, हर्षिता माता जी पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. अनुवाद. हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया. फल स्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई. तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी. बुद्धिमान व्यक्तियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया. राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण की देखभाल करे. जब भी राजा अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं. अतः राज सिंहासन पर ना बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और वे महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए.
वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की स्पृहा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसे राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम भगवान के शक्तावेश अवतार जिनका की नाम महाराज पृथु है उनके विषय में सुना, और यहाँ पर एक और वर्णन मिला कि इनके पापी पिता। तो महाराज पृथु के पिता का नाम था वेन, वेन महाराज, और महाराज वेन बड़े ही क्रूर राजा थे, और वे इतने क्रूर थे, वे इतने अधर्मी राजा थे कि उनके राज्य में कोई अधर्मी नहीं था, उनके राज्य में कोई चोर वगैरह नहीं रहता, सारे भाग जाते थे क्योंकि उनका राजा ही बहुत बड़ा चोर और डकैत था इस कारण से। लेकिन उनकी अधर्मी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हर प्रकार से धार्मिक कार्यों को रोक दिया, भगवान से जुड़े हुए कार्यों को रोक दिया। फिर ब्राह्मणों ने, यहां ऋषि लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन उन्होंने सिंहासन को नहीं पकड़ा, उन लोगों ने सिंहासन को नहीं लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और मंत्रों के द्वारा उसी मरे हुए महाराज वेन के थाइस को, जंघा को चर्म किया, और वहां से एक मेल और एक फीमेल उत्पन्न, तो वो पृथु महाराज और उनकी वाइफ। तो वे चूंकि स्वयं भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार, और किस प्रकार की शक्ति उनको दी गई है, मतलब पृथु महाराज जीव तत्व है लेकिन उनको भगवान ने अपनी एक शक्ति दी है जिसको बोलते हैं इस संसार को मैनेजमेंट और अच्छे से सुयोजित ढंग से चलाने की शक्ति। ओके, तो उन्होंने क्या किया महाराज पृथु ने, वे जब उन्होंने चार्ज संभाला इस पृथ्वी का, उस समय पृथ्वी से अलग अलग प्रकार के की फसलें नहीं हो रही थी, मिनरल्स नहीं निकल रहे थे, हर चीज पृथ्वी ने, भूमि देवी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और इन्होंने अपने पुण्य कर्मों से फिर से जो था पूरे राज्य, पूरे पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है श्लोक में, दुग्धे दुग्धे माम औषधीव विप्रास तेनायम स उषत्तमः। दुग्धे, दुग्ध मिल्किंग, दूध निकालना, पृथिव्यम इमाम औषधि, उन्होंने क्या किया इस पृथ्वी, ये जो प्लैनेट है, ये जो लोक है, यहां पर जितने प्रकार के औषधि थे और अच्छी चीजें थी और बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिससे कि पृथ्वी सुंदर आकर्षक हो सकती है, उन्होंने सब कुछ पैदा किया। तो भगवान ने इनको भरण शक्ति, इस संसार को चलाने की शक्ति दिया। तो यह भगवान का नौवे अवतार की व्याख्या यहां पर की गई है। इसका विशेष वर्णन हमको देखने को मिलेगा पृथु महाराज के विषय में फिर से फिफ्थ कैंटो में, क्योंकि ये उत्तांत प्रियव्रत महाराज की परंपरा में आते हैं। ओके, तो अभी इतना ही रहेगा, हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलेंगे। श्लोक संख्या 15। रूपम रूपम सजगृहे मात्स्यम
चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्य आरोप्य महीमव्याम मय्याम आपद वैवश्वतम मनुम। अब यहां पर मात्स्यम जगृहे मात्स्यम मत्स्य अवतार के विषय में बतलाया जा रहा है। और कौन से मनु के टाइम पे हुआ था यहां पर? दो मनु का नाम दिया हुआ है, चाक्षुष मनु और वैवत्सव मनु। तो थोड़ी सी स्टोरी आपको बतला दें, छठे मनु का नाम, मतलब अभी जो मनु है इसके पहले के मनु का नाम था चाक्षुषा। तो जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था मनु का, और मनु का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो 71 महायुग का होता है। तो जब समाप्त हो रहा था चक्षुषा चाक्षुष मनु का कार्यकाल, तब हर मोस्टली प्रलय आता है। प्रलय आता है मतलब वाटर फ्लड आ जाता है, महाप्रलय फ्लड आ जाता है। तो वैसा ही हुआ, प्रलय आने वाला था। और उसी समय एक राजा होते हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। आप लोगों ने शायद स्टोरी सुना होगा, इसका वर्णन 8वें स्कंद में है। तो सॉरी 6वें स्कंद में। चाक्षुष मनु, तो सत्यव्रत मुनि क्या करते हैं, बहुत सारी जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, सप्तऋषि हैं, सबको एक बड़े नाव में रखते हैं और उस नाव को बांधा जाता है मछली, एक बहुत विशाल काय फिश के साथ, फिश के हॉर्न के साथ। वो फिश भी थोड़ी सी अलग तरीके की थी, गोल्डन फिश थी और उसमें एक हॉर्न था। मतलब जनरली हॉर्न तो आप देखते हैं कि मछली में नहीं होता है। मछली से टाई किया गया था, बांधा गया था। रस्सी क्या था? वासुकी नाग, उसके द्वारा उसको बांधा गया था कि जब प्रलय का पानी आएगा तो वो उसमें भी कहीं नहीं भागेगा। और जब प्रलय बीत जाता है तो वही सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत राजा वैवत्सव मनु बनते। तो यहां पर दोनों मनु के विषय में चर्चा की गई। रेस्ट हम लोग 7वें स्कंद में पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों और विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडेय पुराण हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो तात्पर्य में विशेष कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बतलाया गया कि जो एक आचार्य हैं श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत के ऊपर विशेष टीका दिया है, उनका कहना है कि हरेक मनु के चेंज होने पर, जब एक मनु जाते हैं दूसरे मनु आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रलय होगा, डिवास्टेशन होगा।
और श्रीधर स्वामी और जो दूसरे आचार्य हैं हमारे लाइन में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, वे लोग बोलते हैं, वे लोग बोलते नहीं है, वे लोग प्रूफ के साथ विष्णु धर्मोत्तर हरिवंश और मार्कंडेय पुराण के आधार पर बतलाते हैं कि नहीं नहीं ये निश्चित हर एक मनु के चेंज होने के बाद ये इस पीरियड में आता ही आता है। तो यहाँ पर लीला किसकी है? भगवान और भक्त की है। एक्चुअली उस प्रलय के टाइम पर वो मत्स्य अवतार, भगवान का जो मत्स्य रूप है, वे सत्यव्रत राजा को और जितने मुनि बैठे हुए हैं साथ सप्तऋषि सबको वहां पर वो भगवत भगवत तत्व के विषय में बतलाते हैं। वो समय है डिवास्टेशन का, नाश का समय है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच क्या, भक्त और भगवान के बीच वहां पर भी आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, भगवान ज्ञान दे रहे हैं सत्यव्रत राजा को। और उसकी पूरी कहानी है, जब आपको पता चलेगा सत्यव्रत राजा जब स्नान के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में पहले छोटी सी एक फिश आ जाती है, वो फिश बड़ी हो जाती है और राजा से बात करती है कि मुझे यहाँ पर पानी कम हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, मुझे किसी बड़े जलाशय में, सोर्स ऑफ वाटर में रख दो। फिर वो एक एक जग में रखते हैं, आकार फिश का बढ़ जाता है, वहां से बढ़ के फिर उसको एक छोटे से पॉन्ड में रखते हैं और भी बड़ा, फिर इस तरीके से नदी में रखते हैं और भी बड़ा, बाद में समुद्र में रखना पड़ जाता है। ओके, तो ये स्टोरी था उनका जिसका वर्णन हम लोग साथ में स्कंद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 16। तो अब तक जो है हमने 10 अवतारों के विषय में पढ़ा। देखिए, अब कोई बोलेगा दशावतार में तो ये सारी चीजें नहीं है। तो जनरली जो हम दशावतार बोलते हैं, वो दशावतार जो फेमस है वो सूत गोस्वामी के द्वारा नहीं बोला, वो दशावतार जो है, जो हमारे गीत गोविंद के रचयिता हैं, किसी को पता है कौन है? स्वामी जयदेव गोस्वामी, जयदेव, जिनके आराध्य श्री राधा माधव जो अभी जयपुर में है। ओके, तो जयदेव गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने दशावतार जो मुख्य बोला है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। ओके, लेकिन यहां पर 10 हो चुका अब तक, न कृष्ण आए न राम आए। ओके, उन्होंने मुख्य मुख्य बोला है, बट भागवतम में थोड़ा सा उससे ज्यादा डिटेल चर्चा की गई है। तो श्लोक संख्या 11, सुरासुराणाम उदधिं मथन मथन ताम मंदराचलम दध्रे कमथ रूपे दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठा एकादशे विभु। अब यहां पर बात की जा रही है समुद्र मंथन की। मथनाम मंदराचलम, मंदराचल पर्वत को डाल करके समुद्र मंथन किया जा रहा है। इसका वर्णन आपको मिलेगा 8वें स्कंद। ओके, तो यहां पर विभु भगवान का एक रूप है, विभु या अजीत भी, उनका वर्णन किया जाएगा एकादशवें अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं उनका वर्णन। और यहां पर इवन भगवान के कमठ टोर्टोइस कछुए का जो अवतार था उसका भी वर्णन किया जा रहा है। एक्चुअली जब वो अवतार हुआ था तो वहां पर भगवान कई रूपों में थे, एक साथ वहां पर 1, 2, 3 अवतार थे भगवान के। सबसे नीचे कूर्मा, जो यहां पर कछुआ बोला गया टोर्टोइस, दूसरे भगवान मंदराचल के ऊपर भी खड़े थे, उसको पकड़े हुए थे विश्वक्सेन, ऊपर से हजारों हाथ से भगवान ने मंदराचल को ऊपर से उठा रखा था, मंदराचल पर्वत नीचे नहीं डूब जाए, जो कि शुरू में ऐसा हो गया था जब मंदराचल को समुद्र में रखा गया, दूध का समुद्र था, वो सिंक हो रहा था, डूब रहा था, तो भगवान
कछुए के रूप में आते हैं, कुर्मा के रूप में आते हैं, उठाते हैं। तो दो अवतार आपने लिखा, नीचे भी भगवान और भगवान जो है वो ऊपर भी है। ओके, लेकिन फिर भी काम नहीं चला। तो भगवान अजीत, उनका नाम उस अजीत रूप में, वे पर्सनली आते हैं देवताओं की तरफ, और तब चरणिंग, जब वे चरणिंग शुरू करते हैं तब जाकर के समुद्र में हलचल मचता है, और तब सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। ओके, तो यहां पर वर्णन है 11वें अवतार के रूप में कूर्मा अवतार के विषय में। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग भावना गुप्ता माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ। कश्यप नहीं, कच्छप। कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य शिला प्रपात जी द्वारा। शिला प्रपात जी की जय। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यह जो समुद्र मंथन हो रहा था उसका पर्पस यह था, उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र नहीं थे, देवता लोग का शासन खत्म हो गया था, क्योंकि देवता असुरों के साथ युद्ध करके हार चुके थे। उस समय स्वर्ग के राजा थे बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन। ओके, वे असुरों के राजा थे। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु उनको एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करिए, बलि महाराज के पास जाइए। ऑब्वियसली बलि महाराज तो भगवान के भक्त हैं, और उनसे जाकर के चर्चा करिए कि हम समुद्र मंथन करते हैं, और ये समुद्र पानी का समुद्र नहीं है, पानी का जल नहीं है वहां, वहां ओशन, ये जो समुद्र है वो मिल्क का ओशन। ओके, तो उनसे चर्चा करिए कि हम लोग समुद्र मंथन करके समुद्र से अमृत निकालेंगे। अमृत से क्या होता है, अमृत का अर्थ ये नहीं कि कोई मृत नहीं होगा, ऐसा नहीं। अमृत का अर्थ ये नहीं कि जिसके पीने से अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जनरली यही थॉट रहता है हमारे दिमाग में, अमृत के पीने से। अमृत भी एक, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें पीने की होती है ना, बेवरेजेस काइंड ऑफ थिंग, जिसके पीने, जैसे जनरली लोग शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, इस प्रकार की चीजें पीते हैं जिस शक्ति आती है। तो अमृत पीने से हमको बहुत शक्ति आती है, बहुत शक्ति आती है, वृद्धावस्था नहीं आती है, बीमारियां कम होती हैं। तो एक दवा के टॉनिक की तरह काम करता है वो, जैसे एक दूसरा भी एक सोमरस है उसी प्रकार का, बट वो उससे थोड़ा निचले लेवल का है सोमरस। ओके, जो कि पृथ्वी से ही पे ही उत्पन्न किया जाता था उसको, वृंदावन में सोमरस को। तो अमृत सबसे ज्यादा पावरफुल टॉनिक है, जिसके पीने से व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा हो जाता है, और इतना लंबा हो जाता है कि उसको हमको लगता है वो तो अमर ही हो गया। देवताओं का जीवन अमृत या सोमरस केवल देवता पीते हैं। ओके, और यहाँ के लोग वही पीते हैं जो आपके मिलता है यहाँ पर, आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, व्हाटएवर। तो देवता लोग को बहुत ही आनंद आ गया सुनकर के, अरे समुद्र चलो पी लेते हैं, कुछ ऐसा पिन जिससे क्या आनंद आएगा। तो वे लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए, और बलि महाराज, मतलब बलि, राजा बलि, और जितने असुर हैं वे, और देवता इंद्र के साथ, सारे देवता और इंद्र चले गए समुद्र मंथन के लिए। अब मंथन कैसे किया जाए, तो एक पर्वत जो कि सोने का है, गोल्डन, जनरली पहाड़ किस चीज का होता है, पत्थर का, रॉक, करेक्ट, नॉर्मली पहाड़ पत्थरों का होता है,
लेकिन समुद्र मंथन जो किया गया था उसके लिए विशेष पहाड़ को लाया गया था जो सोने का था। ईलावृत वर्ष में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे नहीं, वहां के सारे पहाड़ गोल्डन हैं, सोने के हैं। मतलब वहां के पत्थर नहीं, वहां के पत्थर आप सोने के पत्थर होंगे, जैसे सोने की ईंटें होती है, वहां पूरा पत्थर पहाड़ ही सोने का होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सोना और रॉक, गोल्ड और रॉक सेम साइज का आप लीजिए, गोल्ड का वेट ज्यादा होता है। अगर साइज दोनों देखने में एक है, गोल्ड हेवी होता है रॉक की तुलना में। वही हुआ, उस पहाड़ का वजन बहुत ज्यादा था, वेट बहुत ज्यादा था, देवता और असुर दोनों दब के मूर्छित हो गए, दोनों बेहोश। सारे लोग पहाड़ को तोड़ के लाए थे, हिला हिला करके तोड़ करके सोने की पर्वत ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही सब दब कर बेहोश पड़े हुए हैं। फिर भगवान विष्णु आते हैं गरुड़ जी के साथ, देवताओं को भी उठाते हैं, लेफ्ट हैंड देवताओं को भी उठाते हैं और पहाड़ को भी लेफ्ट हैंड पे लेके चल देते हैं गरुड़ के साथ बैठ करके, और समुद्र के पास जाके छोड़ते हैं, और सारे देवताओं को और असुरों को फिर से भगवान उनकी मूर्छा अवस्था को समाप्त करते हैं। वे लोग बड़े जोश में आते हैं, अरे सब कुछ आ गया, चलो समुद्र मंथन करते हैं। पहाड़ को उठा करके जैसे ही समुद्र में डालते हैं वो डूबने लगता है। अब समस्या आ गई, अभी कैसे होगा। तुरंत भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं कुर्मा के रूप में, और वो कुर्मा उस पहाड़ को ऊपर उठा देता है। कितना साइज है वो भी लिखा हुआ है भागवतम में, कितना विशाल, एक द्वीप के समान साइज के थे वो कुर्मा, जिसमें पहाड़ आ सके, तो कितना बड़ा साइज होगा। और बोलते हैं कुर्मा अवतार भगवान, वे जब चर्निंग किया जा रहा था तो उनको कैसा फील हो रहा था, उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनकी खुजली मिट रही है और रगड़ से, और बड़े आनंद में वे स्विम कर रहे थे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस बतलाया गया है, बाकी कहानियां, बाकी स्टोरीज बाद में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 17, धन्वंतरी। अब समुद्र मंथन हो गया तो फिर अवतार होंगे, अभी दो दो अवतार होंगे, धन्वंतरी और मोहिनी। धानवंतरम द्वादशम त्रयो त्रयोदशमम एवच आप्ययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयम स्त्रिया। तो समुद्र मंथन हुआ, दो अवतार, सबसे पहले धन्वंतरी, जो आयुर्वेद है वो धन्वंतरी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके एक हाथ में तो आयुर्वेद पुस्तक जो उपनिषद है, और दूसरा, दूसरे हाथ में एक मटका जिसमें कि अमृत था। अमृत आप बोल सकते हैं कि एक मेडिसिनल हर्ब से बना हुआ एक टॉनिक है, जिससे लाइफ लॉन्ग हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है जिसको लोग पीकर, इसलिए अमृत लोग बोलते हैं कि ये तो अमर हो गया। ओके, तो ये तेरहवें अवतार के रूप में धन्वंतरी आते हैं, बारहवें अवतार के रूप में द्वादशम, और तेरहवें अवतार के रूप में भगवान एक स्त्री के रूप में, बड़े ही सुंदर रूप में, मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान आए थे और उनके हाथ में जो पॉट था अमृत का, असुर लोग लेके भाग गए। ओके, अब उसको फिर से लाना था या उसको देवताओं को पिलाना था, इसलिए भगवान ने दूसरा रूप धारण किया एक स्त्री का, और वो रूप मतलब इसका वर्णन भागवतम के फिर दूसरे स्कंद में वह वर्णन तीसरे स्कंद में आता है, जहां पर शिवजी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना अपने मोहिनी रूप का दर्शन दीजिए, चूंकि मैंने नहीं देखा। भगवान शिव
पार्वती के साथ, बहुत सारे ऋषियों के साथ हैं और वे भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करने चाहते हैं। ओके, इसका साथ मैंने इसको आप लोगों को बतलाया था कैसे भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं मोहिनी रूप को देख करके। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा है, मैं पढ़ देता हूं। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो जो मोहिनी अवतार है वो क्या करते हैं, वे देव असुरों को अट्रैक्ट करके उनको उनके हाथ से वो पॉट ले लेते हैं और बोलते हैं आप सभी बैठ जाइए एक लाइन से, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर, मैं इक्वली सबको डिवाइड कर देती हूं। क्योंकि जब वे असुर लोग भागे पॉट को लेकर के तो असुरों में लड़ाई होने लगा, मैं पीऊंगा, और तब उस बीच में जो है स्त्री रूप में मोहिनी के रूप में भगवान आ जाते हैं और सारे लोग उनकी बातें सुनने लगते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबने बोला यस करेक्ट, सबको बैठा देते हैं और भगवान क्या करते हैं, देवताओं से शुरुआत करते हैं। और भगवान का पर्पस यही था कि अमृत देवताओं को पिला दिया जाए। और उसी बीच चंद्रमा सोमदेव और सूर्यदेव के बीच में आकर के राहु केतु बैठ जाते हैं। जैसे ही भगवान पिलाते हैं तो पता चलता है ये तो देवता नहीं है, भगवान पहचान लेते हैं। तब भगवान तुरंत अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं और जो उसका गर्दन है उसको कट कर देते हैं, राहु ऊपर और केतु नीचे। इसीलिए उस समय से, अब चूंकि वो अमृत का पान किया था तो जब तक इस मनु का पास्ट का लाइफ टाइम है तब तक वे दोनों मरेंगे नहीं, राहु और केतु। इसीलिए जब ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, वो कौन करता है ये काम, राहु और केतु का कार्य। ठीक है, उस समय से उनसे ईर्ष्या करता है, जलस करता है। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 17। श्लोक संख्या 18, अब बात है 14वें अवतार की। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद दैत्येन्द्रमूर्जितम ददार कारजैर उराव एरकाम कटकृद यथा। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्र भयानक बिभ्रत अवतरित हुए दैत्य इंद्रम, मतलब भगवान जो है देवताओं के जो राजा है उस समय कौन थे, हिरण्यकश्यप। उनको क्या किया उन्होंने, ददार, जैसे दरार होता है ना, चीर डालना, फाड़ डालना। उर्जितम पावरफुल, भगवान नरसिंह के रूप में कहां पे अवतरित होते हैं, जो नास्तिकों के राजा है दैत्य इंद्रम, उनके सभा में आते हैं, उनके घर में महल में आते हैं और नाखूनों से करजई ही नखम, हम लोग नरसिम्हा जो आरती करते हैं उसमें, जो आरती गाते हैं उसमें भी है, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। भगवान क्या करते हैं, हिरण्य कश्यप के तनु मतलब शरीर को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। कैसे, नखम अद्भुत श्रृंगम, अपने नाखूनों से। ओके, तो यहां पर भी उसी चीज को बतलाया जा रहा है, शब्द अलग है। अपने कहां पे रख के, अपने गोद में रख के उड़ाओ, क्योंकि उसको वरदान था न जमीन में ना आकाश में कहीं भी नहीं। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने लैप में रख के तुमको फाड़ दूंगा। भगवान ने उसको ऐसे गोद में उठाया, ऐसे रखा और दोनों हाथों से उनके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल लेते हैं और फिर गले में पहन लेते हैं। ठीक है, सो 14वां अवतार नरसिम्हदेव का, छोटा सा है, पढ़ दे या कोई और पढ़ेगा, एनीबॉडी एल्स? यस, रेवा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला
जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम उस आरती में भी पढ़ते हैं, नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलाद हल्लाद दायिनी हिरण्य कशिपुर वक्षा शिल टंका नखा लाए। शिला पत्थर पर, जैसे यहां पर लिखा गया है ना, यहां पर बतलाया गया कि जैसे बढ़ई, यहां पर कारपेंटर की बात की जा रही, और वहां पर मूर्तिकार की बात की जा रही। मूर्तिकार क्या करता है, हथौड़े को और चिशल को रख करके अलग पत्थरों को तोड़ता है। तो भगवान ने बिल्कुल उसी प्रकार से अपने नाखूनों से ही उसको वो कर दिया। और यहां पर बढ़ई का उदाहरण दिया, जैसे कोई कारपेंटर लकड़ी को फाड़ता है, चीरता है, भगवान ने उसी प्रकार से हाथों से ही उसका कल्याण कर दिया। ओके। पंचदशम वामनम वामनकम, श्लोक संख्या 19, पंचदशम वामनकम कृत्वा गद अध्वरम बलेह पदत्रयम याच मानह प्रत्यादित प्रत्यादित सुस त्रिपिष्टपम पिष्टपम। पंचदशम, पंद्रहवा अवतार भगवान वामन देव के, वामन देव जिनका दूसरा नाम है उपेंद्र, उप इंद्र, अदिति के पुत्र और इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान वामन के रूप में आते हैं। किनका कल्याण करने के लिए, बलि महाराज के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए। कौन आए थे, हिरण्य नरसिंह अवतार, और बलि महाराज के लिए वामन देव। ओके। और उन्होंने क्या किया था, पद त्रयम याचमानः, और एक ब्राह्मण के रूप में वामन देव, ब्राह्मण बालक ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज, मैंने आपको बतलाया ना बलि तीनों लोक के राजा थे उस समय, इंद्र को हरा करके स्वर्ग भूलोक और पाताल तीनों के राजा बने हुए थे, और वे एक यज्ञ कर रहे थे, उनसे याचना करते हैं, तीन पद जमीन चाहिए बस। ओके। और फिर घटना क्या होती है आपको पता है, तीनों लोग वो हार जाते हैं, तीन लोग के तीन पग के चक्कर में तीनों का तीनों लोग समाप्त हो जाता है उनका। ओके। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग। यस, रानी जायसवाल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पढ़ना है। पंद्रहवें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र तीन पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरा विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा, भगवान ही सारे लोगों को इस ब्रह्मांड की थोड़ी थोड़ी चीजें प्राप्त प्रदान करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया है, उसके अलावे जो दूसरे लोक हैं, तप लोक, जन लोक, महर लोक, वे दूसरे ऋषियों को दिया है। स्वर्ग लोक जो 33 करोड़ है, वे देवताओं को दिया है। फिर भुवर लोक, फिर भूलोक, भूलोक मतलब भूमंडल। तो भगवान ही सबको देते हैं, थोड़ा थोड़ा देकर दे दिया, लेकिन भगवान थोड़ा मांग करके सब कुछ मांग सकते। भगवान के लिए एक पग दो पग, भगवान का पग जो है वो पग और हमारा पग जो, हमारा स्टेप जो है, उसमें बहुत का फर्क है। भगवान के लिए थोड़ा और ज्यादा दोनों बराबर होता है। भगवान किसी को मृत्यु देते हैं या भगवान किसी को वरदान देते हैं, दोनों बराबर है। उसी प्रकार से जब भगवान ने बोला बलि महाराज को तीन पग चाहिए, बलि महाराज नहीं समझ पाए, बलि महाराज ने उनका एक्चुअली उपहास उठाया कि ये क्या मांगा आपने, हम
पूरे तीनों लोक के राजा हैं हम, और आप जमीन मांगने आए हो, एक तो वैसे भी साइट हाइट में छोटे हो, तीन पग जमीन, ये क्या मांगा? तो उनको माया था भगवान का, उनको पता नहीं चला कि भगवान स्वयं है, इनका एक पग ही काफी है, चाहते तो ये तो एक पग में ही ब्रह्मांड सब कुछ क्रॉस करते, लेकिन भगवान ने स्वेच्छा से तीन पग मांगा, चलो एक पग में नीचे चले जाएंगे, दूसरे पग में ऊपर चले जाएंगे, 14 भुवन है ना, 7 नीचे वाले भुवन को एक पैर, और जब यहां से पैर उठाया तो बैकुंठ, बैकुंठ मतलब जो पृथ्वी का लेयर है, ब्रह्मांड का लेयर, उसको क्रॉस कर जाते हैं, इनका नाखून, इनका जो थंब है ना, अंगूठा पैर का, वो होल बना देता है, और तब जा करके जो कारण समुद्र है वहां का पानी अंदर आ जाता है, उसी को बोलते हैं गंगा। पद नख नीर जनित जन पावन, दशावतार में वर्णन है कि वामन अवतार में, वहां वामन अवतार का जो नाम है वहां पर उनके विषय में लिखा गया है, पद नख नीर जनित जन पावन, भगवान का के वो अवतार जिन्होंने अपने नाखून से एक नीर को उत्पन्न किया है जो पतित पावनी गंगा है। ओके, तो गंगा सेलेस्टियल वाटर है, इस ब्रह्मांड की नहीं है, ब्रह्मा यहां से बाहर की है, वैकुंठ। ओके, तो श्लोक संख्या 20 पढ़ लिया था, यस, एक श्लोक और। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मरुद्रो नृपान्, ब्रह्मद्रुहो नृपान्, त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन महिम। अब यहां पर 16वें अवतार के रूप में ब्रह्मद्रुहो नृपान्, एक ब्रह्मा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, और वो जो कि नृपान राजा से गुस्से में है या ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले राजा के ऊपर वे काफी कुपित हैं, और जिन्होंने क्या किया, 27 बार त्रि सप्त कृत्वा, 3×7 लिखा हुआ है यहां पे, 27 त्रि सप्त कृत्वा, 27 बार, सॉरी 21 टाइम्स, नॉट 27, 21, 7 थ्री आर 21, 21 बार क्या किया, सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया इस पृथ्वी से, महीम क्षत्राम अकरोद महीम, निक्षत्राम अकरोद महीम, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया, किसने, उनका नाम है भृगुपति, उनका नाम है परशुराम। तो भगवान परशुराम का अवतरण होता है जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को खाली कर, क्षत्रियों से खाली कर दिया। कुछ और है, यस यस, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग क्विकली, हाँ यस, अर्चना माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 16वें अवतार। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हरे कृष्णा। तो हमने देखा यहाँ पर वर्णन किया गया है परशुराम जी का,
कि उन्होंने कार्तिवीर अर्जुन, एक राजा था जिसका नाम था कार्तिवीर अर्जुन, इसका वर्णन भी आपको नौवें स्कंद में मिलेगा, भागवत के नौवें स्कंद में वर्णन है। तो कार्तिवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उसने रावण को पकड़ लिया था। कार्तिवीर अर्जुन के पास हजार हाथ थे, हजार, थाउजेंड हैंड्स, और उसने रावण को ऐसे पकड़ लिया था हाथों में ही। ओके, परशुराम जी ने रावण को छुड़ाया था। ओके, चूंकि शिवजी के भक्त दोनों थे, परशुराम जी ने भी शिवजी से ट्रेनिंग लिया था और रावण भी शिवजी का भक्त था, और शिवजी ने बोला था मदद करो तो भगवान ने मदद किया था। तो कार्तवीर अर्जुन ने क्या किया था, उनके घर से, उनके आश्रम से, जब वे नहीं थे, उनके फादर थे वहां पर, मदर थे, तो बलपूर्वक कामधेनु गाय सुरभि को बलपूर्वक लेकर के गए थे और बहुत सारी हत्याएं भी की थी। परशुराम जी ने क्या किया, उनके इस अपराध को देखते हुए, उदंडता को देखते हुए, उन्होंने उनको पनिश करना चाहा और फिर उनके हजार हाथों को काटा, उनको, फिर उनके पुत्रों को, सबको। इतने गुस्से में थे कि 21 बार 21 टाइम्स क्षत्रियों से खाली कर दिया था। तो एक कुछ श्लोक और पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 21। ततः सप्तदशे जातः सत्य वात्यम पराशरा चक्रे वेद तरो शाखा शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। अब सप्तदशे, 17वें अवतार के रूप में कौन आ रहे हैं, सत्यवताम, सत्यवती के पुत्र के रूप में, और सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में कौन आएंगे, चक्रे वेद तरो, जो वेदों की रचना करेंगे। व्यास देव का वर्णन किया गया। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी माता जी रीडिंग करिए। ओके, मीनाक्षी माता जी नहीं है तो अनु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात 70वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, साम यजुर ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं में की। सामान्य मनुष्यों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप प्रसिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर व्यास देव जी के विषय में बतला रहे हैं कि व्यास देव जी का जो अवतार हुआ है वो अल्पज्ञों के लिए, अल्पज्ञों को द्विज बंधु स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, भगवत गीता में वर्णन भगवान स्वयं बोलते हैं कि स्त्री
शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी में श्रुति गोचरा। श्रुति मतलब वेद, वेद को समझ पाना स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में तो जन्म लिए हैं लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर गुण नहीं है, उसको द्विज बंधु बोलते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन वो ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं रखता है। छत्र बंधु बोलते हैं, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया लेकिन उसके अंदर क्षत्रिय का गुण नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए पुराणों की रचना की गई है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगेन मिस्टेक हो सकता है, हम समझेंगे कि अच्छा वेद पुराण, वेद तो बहुत क्लिष्ट है, बहुत टफ है, लेकिन उसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज रखता है पुराणों की तुलना में, ऐसा नहीं बोला जा रहा। व्यास देव जी ने, जो कि पहले वेद एक था, एक वेद यजुर्वेद, उसको डिवाइड किया फोर में, देखा अभी भी टफ है समझना, फिर उसको मोर देन 150 उपनिषद्स में, फिर पुराणों में 18 पुराण, फिर उप पुराणों में, और भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। अभी देखिए भगवत गीता, जो महाभारत पुराण, महाभारत को पंचम वेद बोलते हैं, और उसका एक महाभारत, जैसे वेदों में वेदों के उपनिषद होते हैं, हर एक वेद का अपना अपना उपनिषद होता है, तो महाभारत जिसकी जिसको पांचवा वेद बोलते हैं, पंचम वेद, उसका भी उपनिषद है भगवत गीता 700 श्लोक के साथ। तो उस भगवत गीता को समझना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है, बड़े से बड़े इस संसार के विद्वान को समझना मुश्किल है। उसने संस्कृत में विद्वता हासिल कर लिया, साइंटिस्ट हो या फिलोसोफर हो, कोई भी हो, भगवत गीता नहीं समझ पाएगा, जो कि बोलते हैं भक्ति का ABCD। तो वो वेदों को कैसे समझ पाएगा। तो कलयुग के लिए ये श्लोक नहीं है, कलयुग में सारे लोग द्विज बंधु नाम है, सारे लोग क्षत्र बंधु है, सारे लोग शूद्र है, कलौ शूद्र संभवा। तो यहां पर सब्जेक्ट ही हट जाता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, भी सबकी स्थिति एक समान, सारे लोग शूद्र हो गए हैं। तो इसीलिए व्यास देव जी ने भागवत महापुराण, विशेष तौर पर भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ये दो चीज दिया गया है बस। श्रीमद् भागवतम में ही हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर श्लोका, फर्स्ट चैप्टर सेकंड नंबर श्लोका, जहां व्यास देव जी खुद बोल रहे हैं किम वा परैर ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तक्षणात्। मतलब क्या आवश्यकता है किसी और पुस्तक की, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परैर ईश्वरः। भगवान को हमारे हृदय में रियलाइज करने के लिए श्रीमद् भागवतम, केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ना सफिशियंट है। सद्यो हृदय अवरुद्ध, तुरंत में भगवान हमारे हृदय में अवतरित हो जाएंगे, है ना। तो भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता सफिशियंट है। तो व्यास देव जी ने क्या किया, कलयुग के लोगों के लिए सारा डिवीजन किया, या डिवीजन क्या किया, उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा। उसके पहले 5000 वर्ष के पहले रिटन फॉर्म में नहीं था वेदास, पहले तो वेद भी एक ही थे, उसका डिवीजन भी करते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे इसी कैंटो में पढ़ेंगे हम, जब वहां पे वर्णन आएगा व्यास देव जी कैसे कैसे वेदों का डिवीजन करते हैं और कौन कौन से प्रोफेसर बनाते हैं, ऋग्वेद के प्रोफेसर ये, यजुर्वेद के प्रोफेसर ये, सामवेद के प्रोफेसर ये, इस प्रकार से अपने ही डिसाइपल्स को बनाते हैं अलग अलग उसके व्याख्यान करने के लिए। ओके, तो ये था व्यास देव जी के विषय में। व्यास देव जी सत्यव्रत राजा, सॉरी सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, जो हर द्वापर के एंड में प्रकट होते हैं, ठीक है, वेदों की रचना करने के लिए।
वेदों की रचना, वेदों का रिटन फॉर्म लिखने के लिए, उसका डिवीजन करने के लिए। वेद तो शाश्वत है, हर समय से रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है आज से तो प्रश्न कर सकते हैं। यस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके, तो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जय ताई गौरंग की जय, जय श्रीमद भागवतम की जय, जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय महामंत्र की जय, जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेम नंदे हरि 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 हरि। आज का जो जय है हरे कृष्ण, आज का चैंटिंग अनु गुप्ता माता जी करवाएंगे। ओके, सभी अपने अपने मालाओं को ले लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मुझे बोला प्रभु जी ने, आप करवा दीजिए। पता नहीं आवाज ही, आप करवा दीजिए। अनु अनु माता जी को ही बोला है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गोधक वृंद हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सभी को।